वेलकम टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। सो पर्पल से मैंने रिसेंटली में कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, कुछ समर्स के हिसाब से, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, तो ये मिक्स हॉल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। एंड ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड सबका छोटा छोटा स्मॉल रिव्यू भी होने वाला है। सो अगर आपको रिव्यू के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें। लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। तो मैंने लिए थे, वैसे तो मेरे एक ही स्प्लर्ज का प्रोडक्ट है, बट कुछ इस टाइप के बॉक्स में मुझे काफ़ी प्रोडक्ट्स स्प्लर्ज के प्रोडक्ट्स के साथ रिसीव हो गए थे। एंड या कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, 20-30 प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया है वो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट समर सीजन के लिए, वो है सनस्क्रीन। एंड ये है VLCC का नेचुरल साइंस की तरफ से डी टैन प्लस वाइट ग्लो मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन विद SPF 30 PA++++ विद गुडनेस ऑफ एलोवेरा। एंड ये पैराबिन फ्री है, तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। जैसे कि धूप में निकल रहे हो आप, कहीं भी जा रहे हैं, कॉलेज, ऑफिस, शॉपिंग, कहीं पर भी एक अच्छा बॉडी लोशन SPF के साथ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टैनिंग हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाता है यूवी रेज की वजह से। तो उसके लिए मैंने ये बाय किया है। एंड इसका प्राइस है 299 रुपीज़। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इस बॉडी लोशन को आप अपने पास ज़रूर रखें। बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, घर में हैं तो भी अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SPF यूज़ करना। सेकेंड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये गुड वाइब्स का रोज़मेरी फेस वॉश। एंड ये जो है ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश है। रोज़मेरी थोड़ा अलग इंग्रेडिएंट लगा मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ। तो ये आपको मिल जाता है 270 रुपीज़ में, एंड इसमें आपको 200 ml मिलेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस फेस वॉश को, पंप के साथ आता है। एंड गुड वाइब्स के ये जेल फेस वॉशेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इनके ऑलमोस्ट मैं सभी वेरियंट्स ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट मैंने ये कुछ ये फेस स्क्रब फेस मास्क लिए हैं। दो तो मैंने ये लिए हैं, एक है ये कॉफ़ी का ब्राइटनिंग फेस मास्क। तो ये कॉफ़ी फेस मास्क है एंड इसमें बिल्कुल कोकोआ जैसी स्मेल आती है, ज़्यादा प्लेजेंट स्मेल नहीं है इसकी, थोड़ी सी अजीब सी स्मेल है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि कॉफ़ी, आपको पता होगा कि कॉफ़ी कितना अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, तो इतनी अच्छी नहीं है, वही जैसे डार्क कॉफ़ी होती है ना, लाइक वो एक्सप्रेसो वगैरह की जो स्मेल होती है, वैसी इसकी स्मेल है कॉफ़ी फेस मास्क की। एंड ये आपको 225 में मिल जाता है गुड वाइब्स का। एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नो पैराबिन, क्रुएल्टी फ्री हैं। देन सेकेंड जो है वो कोको कॉफ़ी ग्लो स्क्रब है। तो मैंने ये कोई चीज़ें ट्राई करनी थी, थोड़ा डिफरेंट वेरियंट्स हैं, मैंगो, पपाया, बनाना, इन सबसे अलग है ये कॉफ़ी एंड ये चॉकलेट वाला, तो इसलिए मैंने ये कोको कॉफ़ी ग्लो स्क्रब भी ट्राई करना था। तो ये दोनों कॉफ़ी के वेरिएंट्स हैं, ज़रूर मैं अपने किसी स्किन केयर की वीडियो में इनको यूज़ करके आपको इनका रिव्यू दूंगी। एंड जो ये स्क्रब है ये भी आपको 225 में मिल जाता है, बट डेफिनेटली ऑफ में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। देन ये चारकोल का बैम्बो प्योरीफाइंग स्क्रब, ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ एक वीडियो में, एंड इसके रिजल्ट्स अमेजिंग थे, सीरियसली अमेजिंग थे। बैम्बू चारकोल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए। इसमें लिखा है प्योरीफाइंग स्क्रब, सच में बहुत अच्छा काम करता है ये। नो पैराबिन, क्रुएल्टी फ्री स्क्रब है। देन जो मैंने अभी रिसेंटली में यूज़ करना ट्राई किया है, यूज़ करना शुरू किया है, वो है ये द फेस शॉप का राइज सेरामाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। 50 ml का प्रोडक्ट है, ग्लास की पैकेजिंग में है, काफ़ी रॉयल रिच पैकेजिंग है। फेस शॉप के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी और बहुत न्यूट्रल कलर के साथ इनकी पैकेजिंग होती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, वैनिटी पे बाहर रखने में काफ़ी अच्छा लुक देता है। देन एक मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए हैं, जो कि मैंने आई गेस मेरे लिए न्यू है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए थे। ये स्टेक वर्की का आई एम डन विद यू नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स। तो इसके अंदर आपको ये रिमूवर मिल जाते हैं नेल पॉलिश के लिए। सी इसमें ये पैड्स हैं, एंड इससे आपको मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छे से नेल पेंट रिमूव कर दिया था। ये आपको मिल जाएगा 110 रुपीज़ में। सो आपको हम डेमो दिखाते हैं। ये मैंने एक पैड लिया एंड ये रही मेरी नेल पेंट, लेट्स सी। वाओ, बहुत अच्छे से जो नेल पेंट थी वो निकल गई है। वाओ, आई लाइक इट।
एक बारी में पूरा जो नेल पेंट था वो रिमूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक शीट जो है ये आपके पूरे सारे मतलब 5 नेल्स को के नेल पेंट को रिमूव करने में काम आएगी। तो एक ये हो गया। देन है मैंने एक और कुछ ये न्यू देखा था, ये था स्टेक वर्की का माइसेलर वाटर। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था तो मुझे ये ट्राई करना था। एंड ये 150 रुपीज़ का है, इसके 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। कुछ इस टाइप की बॉटल में आता है ये माइसेलर वाटर स्टी। एंड 150 प्राइस सही है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है आपको 150 में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने किसी ट्रेंड रेडी वीडियो में आपको इसे ट्राई करके दिखाऊंगी कि मुझे ये कैसा लगा। देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इस हॉल का वो है ये गुड वाइब्स का वाइन स्किन प्योरीफाइंग स्क्रब। तो वाइन एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट होता है आपके स्किन हेयर के लिए, तो इसलिए मेरे को ये वाइन का स्क्रब यूज़ करना था। ये नो पैराबेन नो सल्फेट क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। एंड वाह, नेक्स्ट जो मेरा काफ़ी टाइम से मन था लेने का ट्राई करने का वो है ये ब्यूटी ग्लेज की तरफ से कलर बोर्ड मीट योर मैच आई शेडो ट्रे। एंड हेयर यू कैन सी इसमें 60 आई शेडोज हैं। एंड इसमें ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, ग्रीन में आपको ग्लिटर शिमर मैट शेड्स मिल जाते हैं। देन ये रेड में है, रेड ऑरेंज पीच में, तो इसमें आपको मिल जाते हैं रेड गोल्डन पीच येलो शेड्स, ब्राउन ग्लिटर भी है शिमर भी है, इन सब में शिमर मैट और ग्लिटर सब है। देन आता है ये ब्लू, ब्लू में आपको मिल जाएगा शिमर ग्लिटर टील ग्रीन कलर मैट शेड्स ये सभी। एंड देन आपको बेस के लिए भी मिल जाते हैं कुछ ये कलर्स। उसके बाद लास्ट जो है वो है ये इसमें आपको पिंक पर्पल मिल जाते हैं, पिंक ग्लिटर इसमें मुझे दिखा नहीं है कहीं, या पिंक ग्लिटर नहीं है बट इसमें पर्पल ग्लिटर है। यू कैन सी ये सेंट ये पर्पल में है, ये थोड़ा ये वाला थोड़ा ब्लूइश में है। देन ये कुछ पिंक में शिमर है, ये वाला शिमरी है बट ग्लिटर नहीं है। तो ये कुछ 60 शेड्स हैं, एक पैन पे आपको 15 शेड्स मिल जाएंगे और 4 पैन है, तो इसका मतलब 60 ग्लिटर्स 60 आई शेडोज आपको मिल जाते हैं। एंड मतलब ये एक पैलेट ले लो एंड अब सेटल हो, मतलब आपको हर एक कलर इसमें ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो मुझे ये आई शेडो बहुत टाइम से चाहिए था, सो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी अपने आई लुक्स मेकअप लुक वीडियोज़ में एंड आपको बताऊँगी कि मुझे ये कैसा लगा। पिगमेंट बहुत अच्छी है इसकी। नेक्स्ट अगेन सनस्क्रीन, सनस्क्रीन का स्टॉक मैंने भर लिया है क्योंकि सनस्क्रीन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ अभी। तो एक तो लिया है मैंने ये गुड वाइब्स का सनस्क्रीन, ये भी SPF 50 के साथ है PA++। एंड ये जो है ये SPF 60 के साथ है PA++। एंड दोनों ही अच्छे हैं, ये अपनी जगह बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर क्यूकम्बर है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है, होबा एक्टिव्स हैं एंड ये मोस्ट पावरफुल सन ब्लॉकिंग एजेंट है, एंटी एजिंग भी है, स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट भी है जो गुड वाइब्स वाला है। एंड इसमें जो है इसमें यूवी है, यूवी बी है, पैराबिन फ्री है, ये भी पैराबिन फ्री है एंड यूवी प्रोटेक्शन देगा ये, रेजिस्टेंट टैनिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है। सो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको 300 मिलता है 50 ग्राम्स एंड ये आपको मिलता है 525 रुपीज़ में 100 ग्राम्स। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली थी जो कि मेरे को जिनका रिव्यू काफ़ी टाइम से करना था, वो है ये NYBAE की कन्फेशंस ऑफ अ लिप अहोलिक प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक्स, कुछ इस टाइप की हैं। इसमें 6 शेड्स हैं तो इनका रिव्यू काफ़ी जल्दी आने वाला है। यू कैन सी कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। इन लिपस्टिक्स को मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, काफ़ी टाइम से मेरे लिस्ट में थी, तो फाइनली इनका रिव्यू आने वाला है। एंड ये आपको 220 रुपीज़ में ये लिपस्टिक्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं आप। लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, बहुत अच्छी हैं, प्राइमर मैट में है, तो या नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये स्प्लर्ज का प्रोडक्ट। एंड इसमें मैंने लिपस्टिक ली है बॉबी ब्राउन लिपस्टिक एंड क्रश्ड लिप कलर है ये, मिनी है, मिनी आप देख सकते हैं। एंड इसका प्राइस है 1250 रुपीज़ और ये जो शेड है मेरा वो है बेबी बेबी शेड, तो काफ़ी अच्छा पिंक कलर है इसका बट बहुत क्यूट सी छोटी सी लिपस्टिक है ये बॉबी ब्राउन की।
इसका शेड नेम है बेबी एंड सी, काफ़ी ब्यूटीफुल न्यूड पिंक कलर है एंड ये बिल्कुल भी मैटिफाई वाला नहीं है, तो जिनको थोड़े स्मूथ करने वाले लिप्स पसंद है वो इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे स्मूथ कर देता है आपके लिप्स को, ऐसा फील होगा कि आपने लिप बाम टाइप अप्लाई किया है, तो अच्छा है, मतलब ड्राई नहीं करता है स्किन को, मैंने यूज़ किया था कल ही से तो ये काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं स्मज हो जाता है क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बटरी रहेगा तो स्मज तो ज़रूर होगा। तो एक थी ये बॉबी ब्राउन की क्रश्ड लिप कलर। नेक्स्ट है ये आई शेडो स्टेक वर्की के 9 pan आई शेडो पैलेट्स एंड इनमें मैं आपको 9 पैलेट्स मिल जाते हैं, एक मैंने आई मेकअप भी क्रिएट किया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन ये मैंने कुछ 2 नेल पेंट्स लिए हैं, एक है ये कलर बार का रेड नेल पेंट जो कि मैंने अभी यूज़ किया था, ये मैट नेल पेंट है, बिल्कुल प्रॉपर मैट है, एंड एक है ये फेसेस कनाडा का स्प्लैश नेल पेंट, इसका शेड है फ्रोजन 40 एंड बहुत ब्यूटीफुल ब्लू शेड था तो मुझे ये बहुत पसंद आया, तो ये 2 शेड्स मैंने लिए हैं नेल पेंट के। कलर बार की नेल पेंट आपको 200 तक में मिल जाती है और फेसेस कनाडा की आपको 100 से बिलो में मिल जाती है, तो जो आपके बजट में उस टाइप की नेल पेंट आप ले सकते हैं। देन है स्टेक वर्की का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल, इसमें ऑयल बेस्ड प्राइमर है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे यूज़ करने के लिए, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं 2-3 बार उसको ओपन करके देख चुकी हूँ कि ये कितना लाइक बहुत बहुत पतला एक ऑयल होता है, थोड़ा है थिकनेस वाला, बट ये थिकनेस नहीं बहुत थिन लग रहा है, तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे किसी वीडियो में एंड देखेंगे कि प्राइमर ऑयल कैसा काम करता है हमारे मेकअप को स्टे कराने में, स्मूथ कराने में। सो या नेक्स्ट जो है वो है ये गुड वाइब्स का रेस्पबेरी स्किन प्योरीफाइंग फेशियल ऑयल, इसको मुझे यूज़ करते हुए 1 हफ्ता हो गया है एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया है ये इस पर मेरी काफ़ी टाइम से नज़रें थी एंड ये निका के का बर्थडे केक आई शेडो पैलेट है, इसमें काफ़ी ब्यूटिफुल शेड्स हैं लाइक तील कलर, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू एंड ये टील, ये 3 तो शिमर शेड्स हैं, बाकी जो जितने भी कलर्स हैं ये मैट हैं, तो ये आपको 9 शेड्स मिल जाते हैं 699 रुपीज़ में, बट 699 का नहीं था, 3-400 के आसपास आपको ये ऑफ में मिल जाते हैं, तो ज़रूर चेकआउट करें, इनके डिफरेंट डिफरेंट शेड वाले भी हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, 9 शेड्स आपको मिल जाएंगे 300-400 में, तो काफ़ी अच्छी डील है, चेकआउट कर सकते हैं निका के आई शेडोज़ को। देन मैंने लिया है पर्पल के कैफीन कॉमरेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन, मेरा शेड है 14 एंड इससे पहले भी मेरे पास फाउंडेशन था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, कवरेज बहुत अच्छी थी, बट बाय मिस्टेक मैंने जो शेड था वो थोड़ा सा डार्क ले लिया था एंड अगेन दिस टाइम फिर मुझे लग रहा है कि मैंने अपना शेड डार्क ले लिया है, समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या है। इस टाइम मैंने देख के लिया था अपने हिसाब से, स्टिल ये थोड़ा सा मुझे, इसका शेड है कैरामेल फ्रापुशिनो कॉमरेड 14, बट लेट्स सी फिर कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो ये है मुझे बहुत पसंद है, इसकी कवरेज इतनी अच्छी है ना, एकदम मीडियम से और हाई के मिडल में है, बहुत अच्छी कवरेज है, तो ये फाउंडेशन मुझे पर्पल का काफ़ी पसंद आया था, बट मैं इसको फिर ट्राई करूँगी इस वीडियो में, आपको बताऊँगी कि मुझे ये और कैसा लगा। सो ये वाला बॉक्स हो चुका है खाली। देन मुझे रिसीव हुए थे कुछ कारमेसी की तरफ से सैनिटरी पैड्स एंड ये दिस इज़ माई 3rd or 4th टाइम जब मैं इनको ऑर्डर करके मैं यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट पैड्स हैं अभी तक के जितने मैंने ट्राई किए हैं, आई लव देम, मतलब इतने कम्फर्टेबल एंड फील भी नहीं होते हैं, इतने थिन है ये एंड थिन में ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आई रियली लव इट। ये इसमें आपको 3 साइजेस मिलते हैं, एक तो आइए डबल एक्सेल का, देन है ये एल का एंड देन वी हैव एक्सेल, तो इसमें आपको 3 साइजेस मिल रहे हैं, सबका अलग अलग प्राइस है, 10 पैड्स का आपको इसमें सेट मिलता है एंड मेरे चैनल पे फुल रिव्यू है कारमेसी के इन पैड्स का रिव्यू का, तो ज़रूर चेकआउट करें। एंड या अगर आपको ये हॉल पसंद आया है, ये थे लास्ट प्रोडक्ट, अगर आपको ये हॉल पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, बाय।